हाय स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक्स हमारा जो कवर होगा यूनिट थर्ड का टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का टॉपिक्स हमारा रहेगा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। टॉपिक्स हमारा रहेगा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो पहले हम जानते हैं कि सिंक्रोनाइजिंग क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को इन्फिनाइट बस बार से पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो इसको हम एक सिंक्रोनाइजिंग कहेंगे। आप ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को इन्फिनाइट बस बार से पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो इसको सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू अल्टरनेटर ऑन एन अल्टरनेटर एन इन्फिनाइट बस बार, जब दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को इन्फिनाइट बस बार से कनेक्ट करते हैं तो उस सिस्टम को सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं। और सिंक्रोनाइजिंग करते समय हमें किन किन कंडीशंस, हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी ये सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन को हम फुलफिल कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन में हमारा कंडीशन पहला है, द फेज सीक्वेंस ऑफ द बस बार वोल्टेज एंड इनकमिंग मशीन्स मस्ट बी सेम। कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा कि दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलली तो जो अल्टरनेटर रनिंग कंडीशन में होगा उसे रनिंग मशीन कहते हैं, जो अल्टरनेटर ऑफ कंडीशन में होगा उसको इनकमिंग मशीन कहते हैं। ध्यान पहले रखना ये बात है कि रनिंग कंडीशन में अल्टरनेटर किसे कहते हैं, जो पैरेलली कनेक्ट करते समय रनिंग दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को जब कनेक्ट करते हैं पैरेलली तो हमारा एक रनिंग अल्टरनेटर होता है, एक इनकमिंग अल्टरनेटर होता है। और जो इनकमिंग अल्टरनेटर होता है वो ऑफ कंडीशन में होता है, और जो रनिंग अल्टरनेटर होता है वो रनिंग कंडीशन में होता है, रनिंग मशीन होता है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जो हम अल्टरनेटर दो कनेक्ट करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। दो या दो से अधिक मशीन को जब भी हम कनेक्ट करते हैं, दो या दो अधिक मशीन को यूज़ कर रहे हो तो जो हमारा फेज़ होगा, फेज एंगल दोनों का सेम और इक्वल होना चाहिए। ये पहला फर्स्ट पॉइंट जो आपको मैं बता रहा था कि फेज, सेकेंड पॉइंट, फेज एंगल ऑफ टू सिस्टम शुड बी इक्वल। द वोल्टेज ऑफ इन्फिनाइट बस बार एंड इनकमिंग मशीन शुड बी सेम। हमारा जो वोल्टेज जो इन्फिनाइट बस बार का है और जो इनकमिंग मशीन का है वो सेम होना चाहिए। यानी कि जो वोल्टेज बस बार का है आपका, जो बस बार का जो वोल्टेज है और इनकमिंग मशीन जो है, जो कि ऑफ कंडीशन में, मैंने बताया कि इनकमिंग मशीन वो जो ऑफ कंडीशन में होता है, उसका वोल्टेज दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रनिंग मशीन जो बस बार से कनेक्टेड है आउटपुट में अगर 11 के भी जनरेट कर रहा है तो बस बार का भी वोल्टेज भी 11 के भी ही होगा। इनकमिंग जनरेटर का भी वोल्टेज 11 के भी ही होना चाहिए। और फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इक्वल। एग्जाम्पल के रूप में अगर 50 हर्ट्ज़ इनकमिंग मशीन का फ्रीक्वेंसी है तो वोल्टेज बस बार का भी फ्रीक्वेंसी सेम ही होना चाहिए। इन सारी बातों को अगर फुलफिल कंडीशन करता है तभी हम उसको हम सिंक्रोनाइजिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर कि मोस्ट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विद सिंक्रोनस जनरेटर टू सप्लाई पावर द सेम पावर सिस्टम। ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट आर। ये फिगर देखिएगा और इस फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जनरेटर वन जो है आपका, और ये जनरेटर वन है, यहाँ जनरेटर टू आपको लगा हुआ है। ये डायग्राम कैसे वर्क करता है देखिए, जनरेटर वन जो है रनिंग मशीन है, जनरेटर वन जो आपका शो कर रहा है वो रनिंग मशीन है और जनरेटर टू जो है आपका इनकमिंग मशीन है। मैंने बताया था जो जनरेटर रनिंग कंडीशन में होगा वो आपका रन करेगा और जो जनरेटर टू जो इनकमिंग मशीन होगा वो ऑफ पोजिशन में होगा और जनरेटर वन रनिंग पोजिशन में होगा। अब ये वर्क कैसे करता है, दोनों अल्टरनेटर पैरेलल कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटर वन, जनरेटर टू को अल्टरनेटर भी कहते हैं, तो दोनों को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो जनरेटिंग, ये मान लीजिए कि ऐसा है कि एक जनरेटिंग स्टेशन है और दो अल्टरनेटर को हम पैरेलल कनेक्ट किया गया है, तो क्या होगा कि देन जो वोल्टेज होगा जनरेटर वन का और जनरेटर टू का वो सेम ही होगा। जनरेटर वन जो कि डायरेक्टली लोड से कनेक्टेड है, आप देखिएगा जो जनरेटर वन है वो लोड से कनेक्टेड है जो कि रनिंग कंडीशन भी कहते हैं।
जनरेटर टू जो है आइसोलेटेड है स्विच से, S1 स्विच से आइसोलेटेड है और वो रन ऑफ कंडीशन में है। जनरेटर टू हमारा ऑफ कंडीशन में है लेकिन पैरेलल स्विच के थ्रू हम, लेकिन S1 स्विच को अगर क्लोज करेंगे तो हमारा रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि पैरेलल कंडीशन में आ जाएगा। पैरेलल कंडीशन में लाने के लिए हम स्विच को S1 को क्लोज करेंगे तो वो पैरेलल कनेक्शन से हो जाएगा। मान के चलिए अब यहाँ पे समझने के लिए आपको कुछ बात आपको मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर सपोज दैट यहाँ हमारा लोड जो है 500 MVA का मान लिया लोड हमें चाहिए, जनरेटर वन का भी जो 500 MVA का जनरेटर वन है और जनरेटर टू भी हमारा 500 MVA का तक है, तो जनरेटर वन हमारा 500 MVA तक का है, मान ले चलते हैं कि 500 MVA का जनरेटर वन है और 500 MVA का जनरेटर टू है। हमारा लोड भी रिक्वायरमेंट है 400 MVA का, आपका जो लोड कनेक्शन है यहाँ पे देख रहे होंगे वो भी हमारा 400 MVA का है, 400 MVA का लोड है, मान लीजिए 400 MVA का अगर आपका लोड होता है, तो अगर 400 MVA का लोड है और जनरेटर वन 500 MVA का है और जनरेटर टू भी 500 MVA का है तो हमारा आसानी से फुलफिल जनरेटर वन कर लेगा, तो 400 MVA का है तब तो ये आसानी से कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे अगर लोड 600 MVA का हो गया तो वहाँ पे कंडीशन में क्या करेंगे, तब ये हमारा जनरेटर वन के लिए ओवरलोड हो जाएगा। अगर लोड इंक्रीज करके 600 MVA हो जाए, पहले 500 MVA था, जनरेटर भी 500 MVA का, मान लीजिए लोड 400 MVA का था और जनरेटर वन 500 MVA का जनरेटर वन है, जनरेटर टू 500 MVA का है, तो अगर मान लिया जाए लोड 600 MVA का हो जाए तो जनरेटर वन के लिए हमें इंक्रीज करना होगा 600 MVA का, तब हम क्या करेंगे S1 स्विच को क्लोज करके जनरेटर टू का हेल्प लेंगे। ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा कि अगर पहले कंडीशन में लोड जो था 400 MVA था और जनरेटर वन 500 MVA का, जनरेटर टू भी 500 MVA का है, और उस कंडीशन में तब तो ठीक है कि 400 MVA को फुलफिल कर रहा है जनरेटर वन, अगर वाई तो गर्मी के दिनों में लोड बढ़ गया 600 MVA हो गया तो हम S1 स्विच को क्लोज करके हम पैरेलली ऑपरेट करेंगे जनरेटर टू को और फिर हम उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, उस लोड को फुलफिल कर सकते हैं। तो बात ये आती है, अब कोई क्वेश्चन करेगा कि ऐसा क्यों ना करें कि जनरेटर वन को ही हम 1000 MVA का यूज़ करके हम सारा ये तामझाम एक्स्ट्रा जनरेटर ना लगाएं, तो एक्चुअली में ये सवाल तब ठीक है लेकिन तब वो गलत हो जाता है जब अगर मान लिया जाए कोई फॉल्ट अगर जनरेटर वन में आ जाता है और मान लीजिए वो फुलफिल कर भी रहा है तो फिलहाल के लिए वो आपका पूरी तरफ से सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगा, पूरी तरफ से बाधित हो जाएगी। इसीलिए 500 MVA का हम जनरेटर अगर 1-2 लगाते हैं तो वाई दबे हमारा बिना, अगर मान लीजिए जनरेटर 1 में खराबी आ गई तो हम जनरेटर 2 से हम सप्लाई लोड दे सकते हैं कुछ शहर के लिए कुछ सिटी के लिए। तो पैरेलल ऑपरेशन का एक फ़ायदा ये है कि आपका तब तक मेंटेनेंस होते रहेगा तब तक आपका जनरेटर दूसरा जो पैरेलल कनेक्ट है हम उससे सप्लाई दे सकते हैं। तो ये एक हमारा, और दूसरी पॉइंट एक ये है कि मान लीजिए जनरेटर वन का हम 1000 MVA का जनरेटर वन MVA लगा लेते हैं, मान लीजिए कि जनरेटर वन जो है हम 1000 MVA का लगा लेते हैं तो हमारा क्या, और लोड हमें 500 MVA का ही चाहिए तो हमारा 500 MVA का जो वेस्टेज जाएगा उतना हमारा पावर वेस्टेज जाएगा और हम जानते हैं कि AC को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम जनरेटर टू को कनेक्ट करते हैं ताकि ये हमारा यहाँ पे डिमेरिट है। एक सिंगल जनरेटर से अगर 1000 MVA का पैदा करके हम 500 MVA देते हैं तो 500 हमारा बर्बाद जाता है, तो यहाँ पे एक डिमेरिट होने की वजह से हम यहाँ पे जनरेटर टू को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स था जो मैंने आपको वर्किंग फिगर से समझाने की कोशिश किया, इसे कुछ एडवांटेज भी हैं। अब इसका एडवांटेज आप समझिएगा कि ये एडवांटेज ये है कि लोड सप्लाई कैन बी इंक्रीज, आपके पास जितना भी लोड है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, लोड सप्लाई कैन बी इंक्रीज। और दूसरा पॉइंट है ड्यूरिंग लाइट लोड मोर देन वन अल्टरनेटर कैन बी शट डाउन व्हाइल द अदर विल बी ऑपरेट नियरली फुल लोड। अगर वाई द वे
अगर कोई एक अल्टरनेटर शट डाउन हो जाता है, किसी खराबी हो जाता है, तो हम दूसरे अल्टरनेटर से हम उसको फुल लोड कोई रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। व्हेन देयर इज़ ए मेंटेनेंस और एन इंस्पेक्शन, वन मशीन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द सर्विस। अगर कोई एक मशीन अल्टरनेटर ख़राब होता है तो हम उसे या इंस्पेक्शन करते हैं तो उस मशीन को हम सर्विस के लिए दे सकते हैं, और दूसरे अल्टरनेटर से हम कंडीशन मतलब जो सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ एडवांटेज था। तो ये हमारा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर था, और ये हमारा जो यूनिट थर्ड का टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का यूनिट थर्ड था, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।